हेलो होटलियर्स, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, तो आज मैं आपको ग्रूमिंग के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, कि होटल्स में मेल स्टाफ और फीमेल स्टाफ कैसे ग्रूम रहे, वेल ग्रूम रहे दोस्तों। तो हर एक चीज़ बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, कि नेल कटिंग से लेके शेविंग तक, हेयर कटिंग तक, और बॉडी पोस्चर कैसा रहना चाहिए, हर एक चीज़ इसमें बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसमें हर एक चीज़ बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे ग्रूमिंग स्टैंडर्ड में पर्सनल हाइजीन भी आता है, तो इसको मैंने एज इट इज़ पर्सनल हाइजीन में लिया। तो दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रूमिंग स्टैंडर्ड क्या रेंज है। तो पहला दोस्तों, बाथ ट्वाइस अ डे एटलीस्ट वंस टू अवॉइड ऑडर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि दिन में दो बार नहाना चाहिए, जिससे आपका बॉडी का स्मेल कम आए दोस्तों। उसके बाद ब्रश टीथ एंड यूज़ माउथ वॉश डेली माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमको गेस्ट से इंटरेक्ट करना रहता है। तो उसके वजह से दोस्तों उनका हमारे वजह से उन पर कोई हमारा बैड इम्पैक्ट ना पड़े, तो इसके लिए दोस्तों माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। उसके बाद रेगुलर डेंटल चेकअप फॉर गुड डेंटल केयर, और हमको ना महीने में एक बार या फिर दो बार जाके डेंटल चेकअप कराना चाहिए, जिससे हमारा डेंटली क्लिनिक, क्योंकि हमारा दोस्तों कोई भी गेस्ट रहता है, कस्टमर रहते हैं, तो पहले दोस्तों हमारे फेस पे देखते हैं और फेस से हमारे टीथ पे जाते हैं दोस्तों। तो अगर टीथ पे हमारा पीलापन रहेगा या कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा दोस्तों, तो इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता। फिर दोस्तों नीचे देखिए, वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली स्पेशली आफ्टर यूज़ ऑफ टॉयलेट, और हाथ टाइम टू टाइम धोने चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर हम होटल्स में हैं दोस्तों, तो हमारा हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो हाथ को डेली टू डेली, मतलब कुछ भी यूज़ करते टाइम, जैसे नाक में उंगली करते हैं या फिर बाल खुजाते हैं दोस्तों, तो उस टाइम हमको हैंड को वॉश करना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, नॉट टच एनी फेशियल पार्ट टच द ब्लेमिश एज अवर स्किन केयर डिसीज़। तो इससे मतलब कोई बॉडी पार्ट को टच नहीं करना चाहिए, जैसे कहीं खुजली होता है तो वो नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो इससे जैसे स्किन केयर डिसीज़ होने के चांसेस और बैक्टीरिया फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, नॉट स्नीजिंग कफ ब्लो नोज फूड और इन द वर्क एरिया। मतलब छींकना नहीं चाहिए या फिर खांसना नहीं चाहिए या फिर हवा नहीं देना चाहिए दोस्तों, कि फूड एरिया के आसपास जहाँ फूड बनता हो उस साइड में दोस्तों कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद नॉट बाइट नेल्स, हमको नाखून नहीं चबाने चाहिए, ये एक पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग स्टैंडर्ड में आता है दोस्तों। नॉट यूज़ हैंकरचीफ इन द रेस्टोरेंट में दोस्तों, हाथ का रुमाल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग अगर अपना हाथ पोछे रहते हैं तो जिसके वजह से ना दोस्तों बैक्टीरिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं दोस्तों। और इसके बाद कीप शू वेल पॉलिश, शू को वेल पॉलिश रखना चाहिए, जो हमारे ब्लैक शूज़ रहते हैं दोस्तों उनको वेल पॉलिश रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, वियर क्लीन एंड वेल लॉन्ड्रीड यूनिफॉर्म दोस्तों। तो इसका तो टेंशन नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों जितना हमारे होटल्स रहते हैं उनमें खुद के लॉन्ड्रीज रहते हैं, इन हाउस लॉन्ड्री रहते हैं, तो उसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाता है, क्लीन और वेल लॉन्ड्रीड यूनिफॉर्म मिलता है। उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों फॉर मेल स्टाफ के लिए, मेल स्टाफ के लिए आप देख सकते हैं, शूट शेव डेली, मेल स्टाफ को डेली शेविंग करना चाहिए, हेयर मस्ट बी शॉर्ट और वेल ग्रूम, और बाल छोटे रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा हर जगह यूज़ होता है, जैसे कि हम रूम सर्विस में जाते हैं दोस्तों, या फिर रूम सर्विस में या फिर किचन एरिया में दोस्तों, तो बाल हमारे छोटे रहेंगे तो कैसे टूटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो हमारे बाल एकदम छोटे और वेल ग्रूम रहना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो दोस्तों, नेल शुड बी क्लीन एंड ट्रिम। हाँ दोस्तों, नाखून हमारे कटे रहने चाहिए और एकदम क्लीन रहने चाहिए, साफ सुथरे दोस्तों। बियर्ड एंड मुस्टैच शुड बी क्रीम, अगर आप बियर्ड रखते या फिर मूछ रखते दोस्तों, तो शुड बी ट्रिम रहना, मतलब एकदम प्रॉपर वे में ट्रिम रहना चाहिए, जिससे बाल गिरने के चांसेस ना रहे दोस्तों। और ये देखिए, शुड नॉट यूज़ एक्सेसिव स्ट्रॉन्ग बॉडी स्प्रे और परफ्यूम। इसमें दोस्तों ये मायने रखता है कि हमारा बॉडी ऑर्डर नहीं आना चाहिए, उसके कंपेयरिंग में दोस्तों हमको कुछ परफ्यूम या स्ट्रॉन्ग बॉडी स्प्रे और परफ्यूम नहीं यूज़ करना चाहिए, तो ये भी इसमें है दोस्तों। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक सेकेंड। तो दोस्तों मेल स्टाफ होने के बाद हमारा आ गया फीमेल स्टाफ, क्योंकि फीमेल स्टाफ का भी मायने रखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, फीमेल स्टाफ का हेयर शुड बी शॉर्ट एंड टाई अप, बाल छोटे रहने चाहिए और बांधे रहने चाहिए दोस्तों। टाई अप मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका पोनी कुछ आता है, पोनी नहीं सॉरी टाई अप मतलब बाल बांधे रहने चाहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे मैनर में। उसके बाद एक्सेसिव मेकअप शुड बी अवॉइड, मेकअप का ज़्यादा यूज़ करना उनके लिए अच्छा नहीं रहता, अवॉइड करना चाहिए दोस्तों, जिससे
जिससे गेस्ट पे हमारा बैड इम्पैक्ट ना पड़े। उसके बाद नेल शुड बी क्लीन और वेल ट्रिम, नेल्स उनके भी क्लीन और कटे हुए रहना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे ज्वेलरी भी आते हैं, ज्वेलरी शुड नॉट बी वॉर्न हवे और वेडिंग और इंगेजमेंट रिंग और सिंपल ईयर शुड स्टड अलाउड। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि ज्वेलरी आप जो यूज़ करें वो बहुत ही हैवी नहीं रहना चाहिए, जैसे शादी का और दोस्तों बस इंगेजमेंट रिंग और सिंपल ईयर स्टड अलाउड है। सिंपल मतलब कान का और इंगेजमेंट रिंग अलाउड है दोस्तों। स्टॉकिंग शुड बी क्लीन, स्टॉकिंग उनका क्लीन रहना चाहिए। सैंडल्स, हाई हील स्लीपर्स, ओपन बैक शूज, स्लीप्स आर नॉट एक्सेप्टेबल आर अनसेफ। तो सैंडल्स दोस्तों, हाई हील स्लीपर्स, ये सब अनसेफ रहते हैं और इनका एक्सेप्ट नहीं किया जाता है होटल्स में दोस्तों। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, इसके बाद मायने आता है हाई लेवल ऑफ स्टैमिना गुड हेल्थ, मतलब फीमेल और मेल में दोनों में स्टैमिना अच्छा रहना चाहिए। और फूड एंड बेवरेज वाले डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों, दे हैव ऑन देयर फीट थ्रू आउट द ऑपरेशन आवर्स, वो हमेशा अपने काम के टाइम हमेशा अपने पैरों पर रहे और दोस्तों हमेशा फ्रेश रहे, उसके वजह से दोस्तों स्टैमिना अच्छा रहेगा तो दोस्तों हमारा बॉडी अच्छा रहेगा। उसके वजह से हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हमको हमेशा हेल्दी ईटिंग्स खाना चाहिए दोस्तों। एडिक्वेट स्लीप मतलब एक अच्छे मात्रा में हमको नींद लेना चाहिए दोस्तों। तो उसके बाद ये सब होने के बाद दोस्तों, तो ये हमारे पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग हो गए दोस्तों। तो उसके बाद देखिए, चेकिंग द पर्सनल हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टार्ट फ्रॉम वन सेल्फ। तो चेकिंग पर्सनल हाइजीन दोस्तों हमें खुद से चेक करना चाहिए। और उसके बाद ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हेड वेटर की रहती है कि हेड वेटर जिस भी हम डिपार्टमेंट में हैं ना दोस्तों, जैसे हम फ्रंट ऑफिस में हैं, हाउसकीपिंग में हैं, फूड एंड बेवरेज में हैं दोस्तों, और या फिर किचन में हैं, तो इनमें हमारे हेड रहते हैं, उनकी ड्यूटी रहती है दोस्तों कि डेली चेक करें और हेल्थ कंडीशन और स्टाफ मतलब डेली स्टाफ का हेल्थ कंडीशन चेक करें ब्रीफिंग के टाइम दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, होटल में डेली मॉर्निंग में ब्रीफिंग होता है काम को लेकर, तो वो ब्रीफिंग के वजह से तभी हमारे हर एक चीज़ चेक होते हैं दोस्तों। तो चलिए हम अपने अब वीडियो पे चलते हैं। तो आपने दोस्तों हर एक क्वालिटीज़ देख ली कि मेल क्वालिटीज़ कैसे रहनी चाहिए, फीमेल क्वालिटीज़ और ग्रूमिंग स्टैंडर्ड कैसे रहना चाहिए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ रहे दोस्तों। बाय।